आज हम दो टॉपिक डील करेंगे जिसमें से कि पहला टॉपिक, कुंजवाल जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत क्लियर मैम, बहुत ओके, बढ़िया आवाज आ रही है और नेटवर्क तो क्लियर है ठीक है ठीक है। जी। तो आज हमारे दो टॉपिक हैं जिसमें से कि पहला टॉपिक है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स और दूसरा टॉपिक है जेनेटिक कोड। तो ये दोनों ही टॉपिक आपके जेनेटिक्स से जुड़े हुए हैं। 12th तक आपने बेसिक जेनेटिक्स पढ़ी होगी, जिसमें से कि टॉपिक वन जो है, मुझे जहां तक थोड़ा सा लगता है कि बीएससी के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर है ये टॉपिक। फिर भी मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसके बेसिक्स अच्छे से समझा सकूं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, आप जैसे कि इसके नाम से ही देख रहे हैं, मोबाइल मीन्स कि समथिंग दैट कैन मूव, जो कि मूव कर सकती है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। जेनेटिक एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, जेनेटिक एलिमेंट्स का मतलब कि बेसिकली आपका डीएनए या आरएनए, जो भी हेरिडिटरी मटेरियल है ना। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स का मतलब है कि जेनेटिक एलिमेंट्स दैट कैन मूव अराउंड विद इन अ जीनोम और दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीशीज और रेप्लिकॉन टू अदर। जो ये इस तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो कि आपके जीनोम में कुछ फैक्टर्स की सहायता से मूव कर सकता है, या एक स्पीशीज के रेप्लिकॉन से दूसरे में भी ट्रांसफर कर सकता है ना। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज स्टेगनेंट, जो कि स्थिर है, ये अस्थिर है। तो बेसिकली ये सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सब में, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके आनुवंशिक पदार्थ को चेंज कर सकता है। तो जब भी हेरिडिटी में चेंज होगा या किसी बेसिक ऐसी चीज में चेंज होगा जो कि आपके जेनेटिक करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्यूशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एंड कुछ इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट आर द टाइप ऑफ जेनेटिक मटीरियल दैट कैन मूव अराउंड विद इन अ जीनोम और दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीशीज और रेप्लिकॉन टू अदर, ठीक है। These are found in all the organisms. और अगर हम humans की बात करें तो approximately 50% of the genome, हमारा जो 50% genome है, it is thought to be made up of mobile genetic elements. तो ये जो elements हैं, ये rearrange कर सकते हैं, अपने rearrange कर सकते हैं genes को host genome में, ठीक है। One of the example of mobile genetic element in the evolutionary context is that virulence factors and antibiotic resistance genes of MG can be transported to share them with neighboring bacteria. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी bacteria में मान लीजिए antibiotic resistance genes नहीं है, लेकिन through the process of this mobile genetic elements ये उन बैक्टीरिया को भी रेजिस्टेंस जीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके पास नहीं है। तो इसका मतलब आप ये समझ गए, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है बैक्टीरिया में। सो दीज मे बी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस या दिस टाइप ऑफ थिंग। और दूसरी तरफ ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट डिक्रीज भी कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की फिटनेस, जैसे कि डिजीज कॉजिंग एलील्स या म्यूटेशंस करके, ठीक है। तो एक तरफ तो ये बैक्टीरिया को एनवायरमेंट दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से उन एनवायरमेंट में भी जिंदा रह सके, काम कर सके, मान लीजिए जहां पे आप उसको एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, मतलब हार्श एनवायरमेंट में भी, और दूसरी तरफ ये उसकी कॉम्पिटेंसी को लो भी कर सकता है, ठीक है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जैसे कि मैं अपनी पिछली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ और आपको बेसिक भी पता होगा क्योंकि आप बीएससी की क्लास है, फर्स्ट क्लास है, आपने बेसिक अपनी प्री क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं।
प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, तो इनमें कौन कौन से मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं? As we know that bacterial genome is composed of a core genomic backbone decorated with variety of multifarious functional elements, है ना? Bacterial genome जो होता है, इसमें different functional elements होते हैं. अब इनके अगर हम mobile genetic elements की बात करें, तो इसमें different type के mobile genetic elements हैं, like bacteriophages हैं, conjugative transposons हैं, इंटीग्रॉन्स है, यूनिट ट्रांसपोजोन्स है, कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स है और इंसर्शन सीक्वेंस. ऑल दीज आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इन प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सॉरी प्रोकैरियोट्स. लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है वो है इंसर्शन सीक्वेंस, IS. तो सबसे पहले तो हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ आप यहाँ देख रहे हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर को देख के आप घबराइएगा मत, क्योंकि आप ये बीएससी की क्लास है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. सो बेसिकली ये जो आप ये स्ट्रैंड्स देख रहे हैं, ये एक समझ लीजिए डीएनए का टुकड़ा है जो कि इंसर्शन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इंसर्शन सीक्वेंस का बेसिक कैरेक्टर क्या है, बेसिक उसका डिजाइन क्या है? DR stands for direct repeat and IR stands for inverted repeats. So what is direct repeat and what is inverted repeat? Because आप अभी 12th से आए हैं, तो आपको भी मुझे नहीं लगता है कि ये बातें ज्यादा पता होंगी. अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है. तो डायरेक्ट रिपीट्स ये होती है, जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे. आपको पता है कि डीएनए या आरएनए बेसिक फोर आपके न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस से मिलके बना हुआ है, फोर बेसिस से मिलके बना हुआ है. तो अगर किसी हम डायरेक्ट रिपीट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट रिपीट का मतलब है कि मान लीजिए ये ए बी ए सी डी ई एफ ये सब आपकी बेसिस को डिनोट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ये क्रम देखिए ए सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है? फिर सेम चीज दोबारा रिपीट हो रही है ए सी डी ई एफ जी एच आई. तो इसका मतलब क्या है कि सेम फ्रेगमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिपीट, ठीक है? इसमें देख लीजिए कि आठ बेसेस हैं और ये आठ की आठ बेसेस वैसे के वैसे ही रिपीट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिपीट्स. अब व्हाट इज इन्वर्टेड रिपीट्स? इन्वर्टेड जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, उल्टा, ठीक है? तो ए सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है? अब हम इसी को उल्टा कर दे तो आई पहले आ जाएगा, आई एच जी एफ ई डी सी ए, यानी ये उल्टा हो गया. देख रहे हैं ये एरो सीधा शो कर रहा है, और इसी को डायरेक्ट अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये उल्टा एरो शो कर रहा है, ये बेसिस उल्टी हो गई. तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स. डायरेक्ट रिपीट्स का मतलब हो गया कि सेम बेसिस उसी फॉर्म में रिपीट होती जा रही है, और इन्वर्टेड रिपीट्स का मतलब हो गया कि एक बार सीधा, फिर एक बार उल्टा, फिर एक बार सीधा, फिर एक बार उल्टा, ये हो गए इन्वर्टेड रिपीट्स. तो सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे भी बेसिस होती है. तो सबसे पहले जो इंसर्शन सीक्वेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्ट रिपीट, देन इनवर्टेड रिपीट, एंड दिस इज ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम. ओपन रीडिंग फ्रेम डीएनए का वो टुकड़ा है जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है? फिर से इनवर्टेड रिपीट, फिर से डायरेक्ट रिपीट. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसर्शन सीक्वेंस. ये डीएनए का वो टुकड़ा है जो इतना मोबाइल है कि ये अपने आप को कहीं और पे भी जाके अटैच कर सकता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसर्शन सीक्वेंस? इंसर्शन सीक्वेंस और इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स आर द सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए दैट कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम टू अ डिफरेंट पोजीशन ऑन द सेम क्रोमोसोम और ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम. एक ही क्रोमोसोम की डिफरेंट पोजीशन पे भी जा सकता है या दूसरे क्रोमोसोम पे भी जा सकता है, ये इतना मोबाइल है, ठीक है? और ये अपने में वो जीन्स रखता है जो कि इसके मोबिलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. मतलब कि अगर मान लीजिए इसको मोबिलाइज होना है, तो इसको अपने आप को काटना भी तो पड़ेगा ना, तो उस इंसर्शन उस कटिंग के लिए भी तो कोई फैक्टर कोई एंजाइम चाहिए होगा. तो ये अपने में वो सारी चीजें रखता है जो कि इसके मोबिलिटी के लिए एनवायरमेंट है, ठीक है? नाउ When IS elements appear in the middle of genes, they interrupt the coding sequence. अगर मान लीजिए ये किसी जीन पे जाके चिपक रहा है, तो
तो ये क्या कर रहा है कि उस जीन को इंटरप्ट कर रहा है। अगर हर जीन का आपको पता होना चाहिए कि हर जीन का अपना एक काम है, वो एक डिफरेंट तरह की प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है। अब मान लीजिए उस जीन में जाके ये बीच में अटैच हो गया, तो जीन की तो कोडिंग डिस्टर्ब हो गई ना। जैसा कि मैं अभी आपको नेक्स्ट अपने प्रेजेंटेशन में बताऊंगी जेनेटिक कोड में, कि अगर कोई कोड डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो प्रोटीन भी नहीं फॉर्म हो पाएगी या एब्रप्ट प्रोटीन फॉर्म होगी। तो इस तरह से ये जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, ये इवोल्यूशन को भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली प्रोटीन को चेंज कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आईएस एलिमेंट्स? आईएस एलिमेंट्स इज केपेबल ऑफ मूविंग अराउंड द जीनोम, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट इंटीग्रेट्स इन टू क्रोमोसोम एट लोकेशन with which it has no homology, thereby distinguishing it from recombination. Recombination में क्या होता है कि homology होती है, लेकिन इस type की activity में ये कहीं पे भी जाके attach हो सकता है जिस sequence में इसकी homology हो या ना हो, ठीक है? So there are various type of there are various insertion sequence present in the bacteria and they are the normal cell constituent. ये bacterial cell का ये नॉर्मल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये भी अगर आप देखा जाए तो बैक्टीरियल सेल का अप्रोक्सीमेट 0.3% रिप्रेजेंट करता है जीनोम। अब मैं आपको ये स्लाइड दिखा रही हूँ कि ये कैसे जाके क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट होता है। इस स्लाइड को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सी स्लाइड है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ये इन्वर्टेड रिपीट्स, ये ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया, और ये भी इन्वर्टेड रिपीट्स। अब ये है आपका इंसर्शन सीक्वेंस, ठीक है, आईएस, और ये है आपका क्रोमोसोमल डीएनए जहां पे जाके इसको अटैच होना है। तो सबसे पहले क्या होता है, द कॉपी ऑफ आईएस एलिमेंट्स इंसर्ट इनटू क्रोमोसोम लोकेशन व्हाइल द ओरिजिनल आईएस एलिमेंट्स रिमेन इन द प्लेस। ऐसा नहीं होता है कि ये अपने को खुद उठा के पूरी पूरी कॉपी कर देगा, इसका एक स्ट्रैंड कॉपी होकर यहाँ पे चिपकता है और दूसरा स्ट्रैंड अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आईएस एलिमेंट्स कंटेन अ ओपन रीडिंग फ्रेम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये है ओपन रीडिंग फ्रेम, जो कि एक एंजाइम ट्रांसपोजेस को कोड करता है। यहां से बनता है एक एंजाइम ट्रांसपोजेस, जो कि इसके ट्रांसपोजिशन के लिए इन्वॉल्वमेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसका काम क्या होता है कि इन सीक्वेंस को कट करना, ठीक है, सॉरी इंसर्शन। अब आप देखिए ये है टारगेट साइट, यहाँ पे एक कट होगा और ये कट स्टिकी एंड्स है, इस क्रोमोसोम पे जाके इस इंसर्शन सीक्वेंस को अटैच होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कट होगा तो ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे। आप देख रहे हैं ये कट हुआ, ये यहाँ से अलग हो गया, ये एंड देखिए और ये एंड देखिए, और फाइनली यहाँ पे इंसर्शन एलिमेंट जो है यहाँ पे आके अटैच हो गया। फिर क्या होगा, ये जो गैप्स बच गए, ये वाला गैप और ये वाला गैप जो आप देख रहे हैं, ये गैप क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज की मदद से ये गैप फिल हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू डीएनए लिखा हुआ है दोनों जगह पे, ठीक है? तो ये था ब्लू वाला था हॉस्ट डीएनए और ये न्यू डीएनए पिंक वाला बन गया। तो इस तरह से इंसर्शन सीक्वेंस जाके किसी भी क्रोमोसोम में, चाहे वो सेम क्रोमोसोम हो चाहे वो डिफरेंट क्रोमोसोम हो, पे अटैच होती है। So this is the basic mechanism how the integration of IS elements occurs in the chromosomal DNA. Now, ये तो हो गई prokaryotes की बात। There are many different types of transposons in eukaryotes are present which vary in size, structure, composition and behavior. लेकिन इन सब की एक basic characteristics, जैसे कि terminal inverted repeats या टारगेट स्पेसिफिक डुप्लीकेशन, जैसा कि आपने प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ा, वो सेम रहता है, ठीक है? तो यूकैरियोट्स में कितने टाइप्स के ट्रांसपोजॉन्स होते हैं? बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लास वन रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स और दूसरा है क्लास टू डीएनए ट्रांसपोजॉन्स, ठीक है? तो जो ये क्लास वन है, जैसा कि आप देख रहे हैं रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स है, दीज वर्क थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है? ये बेसिकली आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू वर्क करते हैं और ये डीएनए ट्रांसपोजॉन्स है। नाउ आरएनए इंटरमीडिएट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम जीनोमिक डीएनए एंड देन रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू डीएनए बाय टीई एनकोडेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी ये ये है क्लास वन रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स और ये है क्लास टू
डीएनए ट्रांसपोर्टर्स। अब जो क्लास वन है मैंने आपको बोला, इसमें सबसे पहले आरएनए इंटरमीडिएट बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा आरएनए इंटरमीडिएट बनेगा, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उससे डीएनए बनेगा। ठीक है, बेसिकली ये डीएनए सबसे पहले आरएनए इंटरमीडिएट, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देन डीएनए इंटरमीडिएट। अब ये जो डीएनए है ये जाके यहाँ पे टारगेट डीएनए में इंटीग्रेट होगा। ये आप देख रहे ऑरेंज कलर का डीएनए इंटरमीडिएट है, बेसिकली ये ट्रांसपोजोन है जो जाके टारगेट डीएनए में इंटीग्रेट हो रहा है। और जो क्लास टू डीएनए ट्रांसपोजोन्स हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनमें पहले एक्सिजन होगा, डीएनए इंटरमीडिएट बनेगा डायरेक्टली, इसमें आरएनए का कोई रोल नहीं है, और ये डीएनए ही जाके टारगेट डीएनए पे इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें आरएनए इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं है। तो व्हाट इज क्लास वन ट्रांसपोज, क्लास वन रेट्रो ट्रांसपोजोन, दे इन्वॉल्व बेसिकली आरएनए इंटरमीडिएट इन द ट्रांसक्राइब फ्रॉम जीनोमिक डीएनए and then reverse transcribed into DNA, ठीक है? Each replication cycle produces one new copy and as a result, class 1 elements are the major contributors to the repetitive fractions in large genome, ठीक है? अब they may be of different type, जैसे कि पिछली slide में मैंने बताया, ये बहुत से type के हो सकते हैं, LTR, long terminal repeats, retro transposons, DIRLs like element, penelope like elements, फिर है लाइंस एंड साइंस जो बेसिकली ह्यूमंस में होते हैं, लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स एंड शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स, दीज आर बेसिकली फाउंड इन ह्यूमन डीएनए, ठीक है? और क्लास टू मैंने आपको बता दिया डीएनए ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ये डीएनए ट्रांसपोजोन्स जिसको मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये बेसिकली डीएनए इंटरमीडिएट के थ्रू वर्क करते हैं, इसमें आरएनए का कोई रोल नहीं होता है। नाउ आई एम कमिंग इन टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ द लेक्चर, दैट इज जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगी तो क्योंकि आप बहुत प्राइमेटिव क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत प्री क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्कस करूंगी। नाउ व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है? द सेंट्रल डोगमा जो एक टर्म है ये पहली बार कॉइन किया था फ्रांसिस क्रिक ने, जिसने फंडामेंटल लाइफ की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे लाइफ जो होती है, लाइफ में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो डीएनए टू प्रोटीन होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ये टर्म फ्रांसिस क्रिक ने यूज किया था, ठीक है? वी ऑल नो दैट डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक एंटिटी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है? व्हाइल प्रोटीन आर द chemicals that controls the all function taking place in the living organism, ठीक है? DNA और protein आप खुद ही समझते हैं कि basically होते क्या हैं। तो इस central dogma ये बताता है कि transcription और translation दो process हैं, जिसमें क्या होता है कि information जो genes की होती है उसका root क्या होता है, डीएनए से सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा आरएनए बनेगा, और आरएनए से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन बनेगा। तो दिस इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ की डीएनए देन आरएनए देन प्रोटीन, ठीक है? तो इट इज द फिक्स्ड सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए दैट इज कोडेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, adenine, guanine, cytosine and thymine, you know, these are the four bases present in the DNA, okay? And the specific sequence of these four nucleotides determines which information is encoded in the DNA. आपको पता है ना कि ये specific sequence होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे A है, T है, G है, फिर कुछ आ जाएगा, फिर कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये information जो है, ये जो sequence है, ये ultimately protein का nature decide करती है, ठीक है? So this information is then transcribed on the messenger RNA, which eventually translate the information printed into all it into the protein. ठीक है? So what is the importance of central dogma in biology? The central dogma is the fundamental process that is being used to investigate modern problem faced by living organism. If it was not the process of all living organisms, there could be a separate process in all living organisms. And consequently, it would be extremely difficult to carry out the research on individual organisms according to their specific pattern of the flow of information.
अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिक सेंट्रल डॉग्मा ऐसे चलता है कि डीएनए फिर आरएनए देन प्रोटीन। क्या कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं कभी कि ये चीज उल्टी हो जाए या ये चीज ऐसे ना चले? ऑल्दो इट इज अ परफेक्ट वर्ड टू एक्सप्लेन अ सर्टेन आइडिया बट स्टिल देयर इज एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस दैट हैव अ प्रोटीन कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दैट कॉजेस द प्रोसेस इन व्हिच रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉग्मा इज देयर। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सेंट्रल डॉग्मा में होता है डीएनए देन आरएनए देन प्रोटीन, लेकिन कुछ वायरसेस में इसका होता है, ठीक है? इट सिंथेसाइजेस डीएनए फ्रॉम आरएनए एंड अपार्ट फ्रॉम वायरसेस देयर कुड बी अदर ऑर्गेनिज्म दैट वी हैव वी डोंट नो अबाउट देम और दे फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है? इसमें क्या होता है आरएनए से डीएनए बनेगा फिर डीएनए से आरएनए बनेगा देन ट्रांसलेशन होगा। तो ये जो एक्सेप्शन है ये कुछ वायरसेस और कुछ और ऑर्गेनिज्म में भी होता है। तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। नाउ दिस स्लाइड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है? वी ऑल नो दैट प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है? प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? पहले क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगा देन उसके बाद ट्रांसलेशन होगा। The information in DNA is not directly converted into protein, but must first be copied into RNA. DNA से तुरंत protein directly तो बनता नहीं है, सबसे पहले क्या बनेगा? RNA बनेगा। So DNA transcription is the process in which process in protein synthesis that involves the transcribing of genetic information from DNA to RNA. तो मतलब transcription में सबसे पहले क्या होता है? DNA से क्या बनेगा? RNA. ठीक है, सर्टेन प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अनविंड द डीएनए स्ट्रैंड एंड अलाउ द एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमर कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले क्या होता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है? एंड देन आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब द डीएनए, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन एंड एडेनिन पेयर्स विद यूरेसिल। आप देख रहे हैं ना, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करती है और एडेनिन यूरेसिल से, ठीक है? तो ये प्रोसेस क्या है पूरी? ट्रांसलेशन। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये एमआरएनए आप जो देख रहे हैं बन गया, ये ब्लू कलर से आप जो देख रहे हैं ये आपका राइबोसोम है, ठीक है? ये टीआरएनएज है और हर एक ये जो थ्री थ्री आप बेसिस देख रहे हैं जिसको अभी मैं आगे भी आपको जेनेटिक कोड में समझाऊंगी, ये थ्री बेसिस दीज आर द थ्री पर्टिकुलर बेसिस दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। This, you know, this is the chain of amino acid that is collectively known as polypeptide. ये एक amino acid, then दो amino acids के बीच में peptide bond बनेगा, this is the peptide bond, and ultimately polypeptide chain बनेगी जो finally protein बनाएगी, ठीक है? तो what is this slide all about? The pathway of protein synthesis is called translation. Because the language of nucleotide sequence on mRNA is translated into the language of amino acid sequence. ये language है mRNA की और इससे जो ultimately बन रही है amino acid sequence, ये क्या है? ये language है amino acids की, ठीक है? So the process of translation requires a genetic code. ये जो आप तीन तीन का pair देख रहे हैं, ये है genetic code. Through which the information contained in the nucleic acid sequence is expressed to produce a specific sequence of amino acid. मतलब कहने का मतलब ये है कि इस mRNA पे जो sequence होगा basis का वो ultimately decide करेगा कि protein किस type का बनेगा, क्योंकि हर एक triplet जो है specific है एक specific amino acids के लिए, ठीक है? So this was the basic of translation. Now coming to the next slide, what is genetic code? Codon का idea, code genetic code एक term हो गया और codon हो गया कि three आपका जो ये bases है उनका sequence, एक particular sequence जिसको हम क्या बोलते हैं codon, ठीक है? तो codon का basic idea जो दिया था Francis Crick and colleagues ने दिया था, लेकिन इट वॉज द मार्शल न्यूरनबर्ग एंड को वर्कर हु डेसिफर्ड द जेनेटिक कोड। नाउ व्हाट इज जेनेटिक कोड? तो सबसे पहले मार्शल और न्यूरनबर्ग ने क्या डेसिफर किया? दे शोड दैट
that four nucleotide bases like adenine, uracil, guanine, and cytosine, they form the codon of different base combination that code for all 20 amino acids during the protein synthesis. हम सभी जानते हैं कि basically 20 amino acids होती हैं, ठीक है? तो वो 20 amino acids basically बनती कैसे हैं? उन 20 amino acids के लिए basically there are specific codes, ठीक है? तो when three continuous nucleotide bases code for an amino acid or signal the beginning or end of protein synthesis, the set is known as codon. Codon का मतलब क्या है? आप जो देख रहे हैं ये ATT, ATC, ये सब क्या है? Codons हैं. ये codons basically एक specific amino acid के लिए code करते हैं. और जब specific amino acids को हम एक sequence में रखते हैं, तो एक specific protein बनती है. ठीक है? तो basically genetic code is the sequence of nucleotide bases in nucleic acid, whether it is DNA or RNA, that code for amino acid chains in the protein. Genetic code kya hai? Genetic code nucleotide bases ka basically sequence hai. Jaise nucleotide bases GCC. So iska ek sequence, specific sequence ko hum kya bolenge? Codons. All three representing here are codons. That codes for the specific amino acids. Okay? So, when three continuous nucleotide bases code for amino acids or signal the beginning or end of the protein synthesis, the set is known as codon. These triplet sets provide instructions for the production of amino acid. ये जो basically तीन के sets हैं, ये instruction provide करती हैं कि किस type की amino acid code होगी. ठीक है? अब अमीनो एसिड खूब सारी अमीनो एसिड जब लिंक होती है तो बनाती है प्रोटीन्स. सो बेसिकली हम क्या कर बेसिकली ये जो कोडॉन्स हैं, द कलेक्शन ऑफ कोडॉन इज आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक कोड, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, प्रोटीन्स कैसी बनेगी इसको डिसाइड कर रहा है. ठीक है? तो कोडॉन क्या है? इट इज द सेट ऑफ थ्री बेसिस, सेट ऑफ थ्री पर्टिकुलर बेसिस दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड. Now, अब ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि ये three bases, A, T, G, these are three bases that code for one amino acid. इन three bases से बना एक amino acid, इन three bases से बना एक amino acid, इनसे बना एक amino acid. तो three bases code for one amino acid. Now, the sequence of coding strand of DNA read in the direction of from 5 prime to 3 prime. ठीक है? जब भी हम codons को read करते हैं, तो हम किस direction से read करते हैं? 5 prime to 3 prime. Consist of nucleotide triplets corresponding to amino acid sequence of the protein read from N terminus to C terminus. ठीक है? So, the sequencing of DNA and proteins make it possible to compare corresponding nucleotide and amino acid sequence directly. तो हम जैसे कि कोड से अमीनो एसिड्स या प्रोटीन का सीक्वेंस देख सकते हैं, वैसे ही हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि प्रोटीन के सीक्वेंस से पता कर ले कि वो किस टाइप के डीएनए या से कोड हुई होगी या उसका जेनेटिक कोड क्या है. ठीक है? नाउ द ऑर्डर ऑफ द बेसिस इन द कोडॉन सीक्वेंस डिटरमाइंस द अमीनो एसिड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है. सो बेसिकली जेनेटिक कोड इज द डिक्शनरी दैट करस्पोंड्स विद द न्यूक्लियस sequence of nucleotide and sequence of amino acid. So basically genetic code kya ho gayi? Ek dictionary ho gayi, jisse ki hume amino acid ka sequence pata chalega aur ultimately protein ka. Theek hai? To is dictionary mein kya hai? Is dictionary mein jo words hai wo codons ke form mein hai. So there are four nucleotides, aapko pata hi hai na ki RNA aur DNA mein basically four bases hai. Theek hai? So any of the four nucleotide in RNA may occupy one of the three possible position in codon. मैंने आपको बोला codon three bases का बना है और nucleotides हैं four. तो कोई भी four nucleotides RNA के तीन position occupy कर सकते हैं codon में. ये तीन positions हैं क्योंकि codon तीन का बना हुआ है. ठीक है? So therefore there are 64 possible codon combination. तो codon का combination कितना होगा? 64, because 4 into 4 into 4. 3 positions hai aur 4 codons hai. So 4 into 4 into 4 equals to 64 possible trinucleotide sequence.
ठीक है, तो कितने कोडॉन्स हो सकते हैं? 64, ठीक है। अब जिसमें से कि 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है, और जो 3 कोडॉन्स होते हैं वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। दीज आर बेसिकली टर्मिनेटिंग कोडॉन्स है ना, और दे अल्टीमेटली लीड्स टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, और जो 3 होते हैं वो टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अब मेरे ख्याल से ये स्लाइड आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो द मीनिंग ऑफ कोडॉन दैट रिप्रेजेंट्स एन अमीनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द टीआरएनए दैट करेस्पॉन्ड्स टू इट। द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन कोडॉन इज डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय प्रोटीन फैक्टर्स। तो 61 कोडॉन्स तो टीआरएनए को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 3 कोडॉन्स है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सीधे प्रोटीन फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, this is the code RNA codon table, ठीक है। मैंने आपको 64 codons बोले। अब आपको पता है कि RNA में bases कौन कौन सी होती है? uracil, cytosine, adenine और guanine, ठीक है। और ये है second position, क्योंकि मैंने आपको बोला कि codon क्या है? triplets है, तीन तीन के होते हैं codon। तो ये हो गई आपकी, ये जो line है first position, second position और third position, ठीक है। तो ये कोडॉन, हर एक कोडॉन जो होता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को डिनोट करता है, ठीक है। अब जैसे ये है फिनाइल एडेनिन है, ग्लूटामिन है, या कोई भी अमीनो एसिड है, इसके लिए एक स्पेसिफिक कोडॉन होगा। अब जेनेटिक कोड्स के करेक्टर्स क्या है? व्हाट आर द करेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड्स रिप्रेजेंट सम यूनिवर्सल करेक्टर्स। नाउ फर्स्ट करेक्टर इज यूनिवर्सल यूनिवर्सैलिटी। What is this thing? कि यूनिवर्सल का क्या मतलब है? The same codon are used to code for the same amino acid in all the living organisms. मतलब कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कोडॉन है, मान लीजिए UAC या UCA है, तो ये कोडॉन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही टाइप का अमीनो एसिड कोड करेगा। अगर मान लीजिए ये कोड करता है एडेनिन, सॉरी यूसी अगर कोड करता है एलेनिन, तो ये सभी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, कुछ भी हो, सब में एक ही अमीनो एसिड कोड करेगा। दस जेनेटिक कोड हैज बीन प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एंड इट इज यूनिवर्सल। इस यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कोडॉन एक ही टाइप का अमीनो एसिड कोड करेगा इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स that the same sequence of 3 base encode the same amino acid in all life forms, from simple microorganism to complex multicellular organism such as human beings, ठीक है सर। इस बात का मतलब अब आप समझ गए होंगे, यानी कि एक कोड जो है वो अगर ह्यूमन में एक अमीनो एसिड कोड कर रहा है, तो वही कोड डॉग में भी वही अमीनो एसिड कोड करेगा, वही कैट में भी करेगा, ठीक है। बट there are few exceptions found in the mitochondrial codon. आपको पता है कि mitochondria में भी DNA होता है, ठीक है। तो mitochondrial codon में थोड़ा सा exception होता है, जहां पर क्या होता है, अगर मैं आपको A codon की बात करूं, AUA. AUA basically codes for methionine, ठीक है, and UGA basically codes for tryptophan. जबकि ये साइटोसोल में ये डिफरेंट कोड करते हैं। साइटोसोल में AUA कोड करता है आइसोल्यूसिन को, और UGA कोड करता है टर्मिनेशन कोडॉन को। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कोडॉन जो कि साइटोसोल में कुछ और कोड करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ और कोड करते हैं, और यहाँ पे भी इवोल्यूशन का फंडा काम करता है। नाउ द सेकेंड कैरेक्टर इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है अ पर्टिकुलर कोडॉन ऑलवेज कोड फॉर सेम अमीनो एसिड्स व्हिच मेक द जेनेटिक कोड हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। यूनिवर्सलिटी और स्पेसिफिसिटी जो है लगभग एक ना एक लगभग सेम ही चीजें हैं, जिसमें कि यही बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कोडॉन हमेशा सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है, जिससे कि जेनेटिक कोड जो होता है हाईली स्पेसिफिक हो जाता है। Now triplet nature, as I have already told you that a triplet code
could make a genetic code for 64 different combination, matlab 4 into 4 into 4, and provide a plenty of information in the DNA molecule to specify the placement of all 20 amino acid. मैंने आपको बोला ना कि तीन तीन के कोड्स हैं, तीन तीन बेसिस के कोड हैं, ठीक है, जिससे कि कोड्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन अमीनो एसिड 20 है. अब इस चीज को हम आगे भी अभी समझेंगे कि अमीनो एसिड तो 20 है लेकिन कोड्स तो 64 है, ठीक है. तो व्हेन द एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड टू ट्रैक द जेनेटिक कोड, इट वाज फाउंड टू बी अ कोड दैट वाज ट्रिपलेट. दीज थ्री लेटर कोड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड कोडॉन. तो ट्रिपलेट नेचर का क्या मतलब है कि थ्री थ्री के कोड्स हैं. नाउ कम टू द नॉन एम्बिग्युइटी. Non-ambiguity का मतलब ये है कि a particular codon will always code for same amino acid while, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, while the same amino acid can be code by more than one codon. मैंने अभी आपको ऊपर ये बोला था ना स्पेसिफिसिटी में कि हर एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन है, ठीक है, लेकिन उल्टा भी है कि एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडॉन से भी कोड किया जा सकता है. अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अ पर्टिकुलर कोडॉन विल ऑलवेज कोड फॉर सेम अमीनो एसिड व्हाइल द सेम अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन. इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी भी बोलते हैं. द कोड इज डीजेनरेट. द सेम कोडॉन शैल नॉट कोड फॉर टू और मोर डिफरेंट अमीनो एसिड. मतलब कि एक कोडॉन से दो तीन अमीनो एसिड नहीं बन सकती है लेकिन दो तीन कोडॉन सेम अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं. फिर से रिपीट कर रही हूं मैं इस चीज को, एक कोडॉन से हमेशा एक अमीनो एसिड बनेगी लेकिन एक अमीनो एसिड के डिफरेंट कोडॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब सेम डिफरेंट कोडॉन्स एक अमीनो एसिड बना सकते हैं लेकिन एक अमीनो एसिड के डिफरेंट कोडॉन्स नहीं हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज पोलैरिटी. द जेनेटिक कोड हैज पोलैरिटी, दैट इज कोड इज ऑलवेज रीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन. कोड को हम डायरेक्शन से रीड करते हैं, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, ये इसको जेनेटिक कोड को हम एक ही दिशा से पढ़ेंगे, ये नहीं कि यहां से भी आगे से भी पढ़ लिया और पीछे से भी पढ़ लिया. नाउ डीजेनरेसी, बाकी के ये जो कैरेक्टर्स हैं डीजेनरेसी, नॉन ओवरलैपिंग, कॉमनलेस, चेन इनिशिएशन और चेन टर्मिनेशन, इसके लिए डिफरेंट स्ट्राइप्स हैं, इसको मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा. डीजेनरेसी, the code is degenerate which means the same amino acid is coded by more than one base triplet. For example, three amino acids arginine, alanine, leucine each have 6 synonyms codon. aapko maine pehle bhi jo bola ki amino acids are specified by 2 or 6 codons, matlab ki ek amino acids ke liye bahut sare codons ho sakte hain, to jisko hum kya bolte hain degeneracy. Degeneracy results, there are more codons to encode 20 amino acids. मैंने आपको बोला था ना कि there are 64 codons, जिसमें कि 61 जो है वो amino acids को code करते हैं और 3 जो होते हैं वो termination के लिए involved होते हैं. तो codons ज्यादा है, amino acid कम है, इसका मतलब ये जो कुछ codons ऐसे हैं जो कि है तो different लेकिन code एक amino acid को करते हैं, तो this process is known as degeneracy or redundancy in genetic code. Now, non-overlapping of genetic code. Genetic code is non-overlapping. इसका मतलब कि adjacent codon do not overlap. अगर आप देखिए इन codons को देखिए, यहाँ पे ये है codons basically, ठीक है, AUU, GCU, CAG, CUU, GAC. अब हम AUU जो है वो कोड करता है इस अमीनो एसिड को, AA1 को, ठीक है, इसी तरह ये AAU अगर हम कह रहे हैं कि AA1 को कोड करता है, लेकिन अगर हम दूसरा कोडॉन पढ़े, दूसरा कोडॉन अगर हम ऐसे पढ़े, ये तो हो गया AUU, दूसरा अगर हम ऐसे पढ़े तो AUG, तो AUG जो UUG जो कोड करता है वो दूसरे अमीनो एसिड को कोड करता है, आप यहाँ पे देखें, लेकिन GCU एक डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करता है. तो जब हम जेनेटिक कोड पढ़ते हैं तो ये नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब कि एक कोडॉन दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा है. ए यू यू पढ़ेंगे, देन जी सी यू, देन सी ए जी, देन सी यू यू, ये नहीं करेंगे कि ए यू यू ने यहाँ पे एक अमीनो एसिड कोड किया फिर इसके दो बेस इस तीसरे वाले
वाले से मिल गए और जिन्होंने फॉर्म बना लिया यूयूजी, ऐसा नहीं होगा। देख रहे हैं आप, एयूयू देन जीसीयू, ऐसा नहीं होगा कि एयूयू हो गया फिर इसी के लास्ट के दो बेसिस तीसरे कोडॉन में, तीसरे को यूज करके एक नया कोडॉन बना ले। मतलब यहां से यूयूजी ये नहीं बनेगा, दिस इज क्रॉस्ड, यहां से यूजीसी ये नहीं बनेगा। इसको हम इंडिविजुअली तीन 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 पढ़ेंगे। देयर इज नॉन ओवरलैपिंग ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं होते। अगर एक कोडॉन किसी अमीनो एसिड के लिए यूज हो गया है तो उसके बाद के नेक्स्ट तीन यूज किए जाएंगे, इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। इट मींस कि एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप। नॉन ओवरलैपिंग कोड मींस द सेम लेटर इज नॉट यूज्ड फॉर टू डिफरेंट कोडॉन्स। मतलब ये सेम लेटर अगर यहाँ पे यूज हो गया है इस कोडॉन में तो वो इस कोडॉन में यूज नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, नो सिंगल बेस कैन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन। कोई भी सिंगल बेस एक से अधिक कोडॉन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ए यू यू यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है तो इस कोडॉन में वो ओवरलैप नहीं करेगा कि यहाँ की एक बेस आप यहाँ मिला लीजिए और नेक्स्ट कोडॉन यू जी सी बन जाए, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज द करेक्टर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ऑफ जेनेटिक कोड। नाउ जेनेटिक कोडॉन्स आर कॉमनलेस। कॉमनलेस का मतलब है देयर इज नो सिग्नल टू इंडिकेट द एंड ऑफ वन कोडॉन एंड द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट। मतलब कि अगर आप ये कोडॉन्स पढ़ रहे हैं तो यूयूसी, यूसीजी, जीएसी, सीयूजी, जीएजी, देन इसके बाद ये बीच में स्पेसिंग नहीं होगी कि बीच में एक यहाँ पे बेस छूट गई है, ठीक है, ये चीज नहीं होगी यहाँ पे। मतलब कि इसको आप बिल्कुल बिना किसी पूर्ण विराम, बिना किसी कॉमा के, अर्धविराम के आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है, बीच में इस तरह की कोई भी स्पेसिंग नहीं होगी। देयर इज नो सिंगल टू इंडिकेट द एंड ऑफ वन कोडॉन एंड द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट। जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ए सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे कोडॉन एंड हो गए और यहाँ पे शुरू हो गया, तो मतलब ए का कोई अस्तित्व नहीं है कोडॉन के फॉर्मेशन में। सो द जेनेटिक कोडॉन शुड बी रेड कंटिन्यूअसली विदाउट स्पेसिंग और ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग का आपने पिछले स्लाइड में देख लिया, और स्पेसिंग भी नहीं होनी चाहिए। ये कंटिन्यूअसली रीड किए जाते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो दिस इज द करेक्टर दैट शोज दैट जेनेटिक कोड्स आर कॉमनलेस। नाउ चेन इनिशिएशन एंड चेन टर्मिनेशन और नॉनसेंस कोडॉन। चेन इनिशिएशन का जैसा आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इनिशिएट करना, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करे, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन कोडॉन्स को हम स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं। द स्टार्ट कोडॉन इज द फर्स्ट कोडॉन ऑफ अ मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेटेड बाय द राइबोसोम, ठीक है। जो पहला कोडॉन होता है किसी भी मैसेंजर आरएनए का, उसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। द स्टार्ट कोडॉन ऑलवेज कोड्स फॉर मीथियोनिन इन यूकैरियोट्स। हमेशा याद रखिएगा कि पहला जो अमीनो एसिड होता है यूकैरियोट में या आर्किया में, वो मीथियोनिन होता है या मॉडिफाइड मीथियोनिन होता है इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो दैट फर्स्ट कोडॉन आर ऑलवेज कोड फॉर मीथियोनिन, ठीक है। नाउ द मेजर कोडॉन या मोस्ट कॉमन स्टार्ट कोडॉन इज एयूजी, ठीक है। पहला जो कोडॉन जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो होता है एयूजी, ठीक है, जिसका करस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंस क्या होगा, एटीजी। नाउ बैक्टीरिया कैन ऑल्सो यूज जीयूजी एंड यूयूजी एंड वेरी वेरी रेयरली एयूयू या सीयूजी। बाकी बैक्टीरिया कुछ ये वाले कोडॉन्स भी यूज करते हैं, बट बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन या फ्रीक्वेंटली पाया जाने वाला जो स्टार्ट कोडॉन है वो एयूजी है। सो दीज आर द चेन इनिशियन या स्टार्ट कोडॉन्स। नाउ चेन टर्मिनेशन और नॉनसेंस कोडॉन। टर्मिनेशन का मतलब वैसे भी आप समझ ही रहे होंगे, नाम से भी पता चल रहा है आपको कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के टर्मिनेशन के लिए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं। सो द थ्री ट्रिपलेट्स यू ए ए
UAG एंड UGA दीज डोंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड. जैसे आपने पहले सॉरी जैसे आपने और अमीनो कोड्स के लिए देखा है कि हर एक कोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड, बट दीज थ्री स्टॉप कोडॉन्स UAA, UAG एंड UGA दे डोंट कोड फॉर अमीनो एसिड्स, है ना. इंस्टेड they code for some protein factors that are responsible for the chain termination. They don't code amino acid. The ribosome pauses and falls off from the mRNA. Jab bhi ye codes aayenge during the process of translation, tab kya hoga? Chain terminate ho jayegi. Wahan pe koi amino acid code nahi hoga. Theek hai? So they were originally described as nonsense codon as against the remaining 61 codons which are termed as sense codon. जो बाकी जो 61 codons हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Sense codon, because they code for particular amino acid. But these three codons, UAA, UAG and UGA, that don't code for any amino acid, they are known as chain termination codons. ठीक है? Now इनमें भी क्या होता है? UAA is the most frequently used in E. coli. सबसे ज्यादा ई कोलाई में जो स्टॉप कोडॉन यूज होता है वो UAA होता है, फॉलोड बाय UGA एंड UAG. सबसे कम जो होता है वो UAG यूज होता है. ठीक है, सो दीज आर द कोडॉन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन. इसका टेक अवे क्या हुआ स्लाइड का, कि जो चेन इनिशिएशन कोडॉन है AUG हमेशा क्या करेगा, सबसे पहला जो अमीनो एसिड कोड होगा वो मिथियोनिन होगा. ठीक है, और चेन टर्मिनेशन कोडॉन जो होते हैं दे डोंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन प्रोसेस. नाउ कोडॉन एंटीकोडॉन रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स वॉबलिंग. नाउ व्हाट इज वॉबलिंग, व्हाट इज, देयर इज अ वन टर्म नोन एज वॉबलिंग हाइपोथेसिस. ओके, सो देयर आर मोर देन वन कोडॉन फॉर one amino acid. This is called as degeneracy of genetic code. क्या होता है कि जब मैं आपको पहले भी स्लाइड में बोला है कि एक कोडॉन, there are more than one codon for one amino acid. एक amino acid एक से ज्यादा codon से भी code किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं degeneracy. So इस possibility को explain करने के लिए Francis Crick ने एक मॉडल या एक हाइपोथेसिस प्रपोज करी, जिसको हम बोलते हैं वॉबल हाइपोथेसिस. जिस हाइपोथेसिस के अनुसार जो किसी भी कोडॉन की जो फर्स्ट टू बेसेस होती है हैव अ प्रिसाइज पेयरिंग विद द बेसेस ऑफ एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए. मतलब कि किसी भी कोडॉन की जो तो पहली जो दो बेसेस होती है वो तो बहुत ही प्रिसाइजली बेसिंग करती है, लेकिन जो थर्ड बेस होती है किसी भी कोडॉन की, ये जो थर्ड पोजीशन पे है, वो जो होती है वो वॉबल करती है. वॉबल का हिंदी में क्या मतलब हुआ? मींस टू स्वे या टू मूव अनस्टेडली, मतलब कि हिलते डुलते रहना, है ना. उसका कोई प्रिसाइज पेयरिंग नहीं होती है. ठीक है, दिस फिनोमेना परमिट्स अ सिंगल टीआरएनए टू रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन. मतलब कि कोई टीआरएनए एक ही कोडॉन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है इस फिनोमेना की वजह से. जैसे आप इस वाली अगर आपको देखिए, यहाँ पे दोनों से ल्यूसिन बन रहा है, ल्यूसिन अमीनो एसिड कोड हो रहा है. ठीक है, लेकिन आप इस सीक्वेंस को देखिए, यहाँ पे है जी ए जी, ठीक है, सी यू सी, दो ये जो शुरू के दो है ये तो दोनों में कॉमन है. अब आप देख रहे हैं ये दोनों टी आर एन ए में ये सीक्वेंस कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए यहाँ पे जीसी पेयरिंग थी विच इज अ नॉर्मल पेयरिंग, बट यहाँ पे जीयू पेयरिंग है. आपको पता होना चाहिए साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के संग पेयरिंग करता है ना, लेकिन यहाँ पे ग्वानिन के संग यूरेसिल पेयरिंग कर रहा है. तो दिस इज वॉबल पेयरिंग. ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल. ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल पेयरिंग है और यहाँ पे ये क्या है, वॉबल पेयरिंग. तो ये पेयरिंग अलाउ करती है कि एक अमीनो एसिड के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए कोडॉन्स ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस फिनोमेना बेसिकली परमिट्स अ सिंगल टीआरएनए टू रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन. देयरफॉर ऑल्दो देयर आर 61 कोडॉन्स फॉर अमीनो एसिड्स, द नंबर ऑफ टीआरएनए इज फार लेस, व्हिच इज ड्यू टू वॉबलिंग.
Okay, so a wobble pair, wobble base pair is a pairing between two nucleotides in an RNA molecule that does not follow the Watson-Crick base pair rules. Watson-Crick base pair rules क्या कहते हैं कि A हमेशा U या T से pair होगा, C हमेशा G से pair होगा. लेकिन ये जो wobble pair है, ये follow नहीं कर रहा है Watson-Crick base pair rules. The four main wobble base pairs are guanine uracil, hypoxanthine uracil, hypoxanthine adenine, and hypoxanthine cytosine. So, in order to maintain the consistency of nucleic acid nomenclature, I use karte hain hypoxanthine ki jagah I use karte hain because hypoxanthine is the nucleobase of inosine. Theek hai, inosine display the true qualities of wobble. In that, if it is the first nucleotide in the anticodon, then any of the three bases in the original codon can be matched with tRNA. So basically, wobble hypothesis आपको क्या denote करती है कि जो शुरुआत के जो दो amino acids हैं, वो तो बिल्कुल strict रहते हैं normal Watson-Crick base pair rules के according. लेकिन जो last का third है, वो normal pairing की तरह कभी-कभी unusual pairing भी कर लेता है. जिसकी वजह से देयर आर मोर देन वन कोडॉन दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉबल हाइपोथेसिस. वॉबल हाइपोथेसिस की सिग्निफिकेंस भी है लाइक ब्रॉड स्पेसिफिसिटी. आवर बॉडी हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ टीआरएनए. ठीक है, हमारी बॉडी में तो टीआरएनए लिमिटेड है, लेकिन वॉबलिंग क्या करती है, वॉबलिंग अलाउज फॉर द ब्रॉड स्पेसिफिसिटी. मतलब कि सेल की इकोनॉमी को सेव कर रही है, ये नहीं कि बहुत सारे टीआरएनए की जरूरत है, एक ही टीआरएनए काफी है डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करने के लिए. ठीक है, सो इट अलाउज ब्रॉड स्पेसिफिसिटी. नाउ वॉबल बेस पेयर हैव बीन शोन टू फैसिलिटेट मेनी बायोलॉजिकल फंक्शंस. मोस्ट दैट आर रिपोर्टेड इन द ई कोलाई. The thermodynamic stability of the wobble base pair is comparable to that of वॉटसन बेस पेयर. स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आस पास ही होती है दोनों बेस पेयर्स की. ठीक है, सो वॉबल बेस पेयर आर फंडामेंटल इन आर एन ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड आर क्रिटिकल फॉर द प्रॉपर ट्रांसलेशन ऑफ द जेनेटिक कोड. वॉबलिंग ऑल्सो अलाउज द फास्टर डिसोसिएशन ऑफ टी आर एन ए फ्रॉम एम आर एन ए एंड ऑल्सो प्रोटीन सिंथेसिस. क्योंकि वॉबलिंग है प्रॉपर तो वॉटसन जो बेस वाली पेयरिंग है वो तो हो नहीं रही है, तो ये क्या होता है, जितनी जल्दी एसोसिएशन होता है उतनी ही जल्दी डिसोसिएशन भी हो जाता है, तो प्रोसेस को ये फास्ट बनाती है. ठीक है, नाउ इट द एग्जिस्टेंस ऑफ वॉबल मिनिमाइजेस द डैमेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय मिसरीडिंग अ कोड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ल्यूसिन इज कोड ल्यूसिन कोडॉन CUU वर मिसरीड CUC or CUA or CUG during transcription of mRNA, the codon will still be translated as leucine during protein synthesis. तो मतलब क्या होता है कि misreading को भी ये minimize करती है, क्योंकि अगर तीसरा base pair मान लीजिए किसी तरह से misread भी हो रहा है तब भी वो जो code है वो leucine को ही code करेगा. So it also minimize the damage that can be caused by misreading of the code. So these are the significance of the wobble hypothesis. Now, sporadic alteration of the universal code. Universal codes की मैंने जैसा कि आपको पहले भी characteristics बताया कि genetic codes are universal, but there may be some alteration. So मतलब there may be some alteration present in the, क्योंकि यहाँ पे अगर आप biological system की बात करें तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो भगवान ने दिया ही है. सो सिंस ऑल ऑफ दीज चेंज आर स्पोरेडिक व्हिच इज टू से दैट दे अपीयर टू हैव अकर्ड इंडिपेंडेंटली इन द स्पेसिफिक लाइंस ऑफ इवोल्यूशन दे मे बी कंसंट्रेटेड ऑन टर्मिनेशन कोडॉन बिकॉज दीज चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन अमीनो एसिड फॉर अनदर. बेसिकली जो ये ऑल्टरेशन होते हैं वो टर्मिनेशन कोडॉन्स पे होते हैं. अब प्रकृति ने इसको टर्मिनेशन कोडॉन्स पे ही अल्टरेशंस क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि टर्मिनेशन कोडॉन्स जो होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं. तो मान लीजिए अगर कोई अल्टरेशन हो भी रहा है थोड़ा बहुत, मान लीजिए थर्ड बेस पेयर पे अल्टरेशन हो रहा है, तो उससे कोई
फर्क नहीं पड़ेगा. सो वंस द जेनेटिक कोड वाज एस्टैब्लिश्ड अर्ली इन द एवोल्यूशन एनी जनरल चेंज इन द मीनिंग ऑफ कोडॉन वुड कॉज अ सब्स्टिट्यूशन इन ऑल द प्रोटीन्स दैट कंटेन दैट अमीनो एसिड. अगर किसी बीच में के कोडॉन में अगर मान लीजिए अल्टरेशन होते तो क्या होता, प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता, ठीक है. और इट सीम्स लाइकली दैट दैट चेंज वुड बी डिलेटेरियस इन एटलीस्ट सम ऑफ दीज प्रोटीन्स विद द रिजल्ट दैट इट वुड बी स्ट्रॉन्गली सिलेक्टेड अगेंस्ट. सो मान लीजिए अगर किसी बीच के अमीनो एसिड के में कोई डिफरेंस होता तो क्या होता कि उसकी जगह कोई और अमीनो एसिड कोड करती, और हो सकता है कि वो अमीनो एसिड किसी पर्टिकुलर फैक्टर की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर हो. तो अल्टीमेटली क्या होता कि वो फैक्टर एब्रप्ट बनता और वो प्रोसेस जो सेल की होती वो रुक जाती. तो बेसिकली जितने ऑल्ट्रेशंस जो यूजुअली पाए जाते हैं वो टर्मिनेशन कोडॉन्स पे होते हैं. बिकॉज इफ सम टर्मिनेशन कोडॉन्स वर यूज्ड ओनली रेयरली दे कुड बी रिक्रूटेड टू द कोडिंग पर्पसेस बाय चेंजेस दैट अलाउज टीआरएनए टू रिकॉग्नाइज देम. So why have changes been evolved to in the mitochondrial code? So mitochondrial code में क्यों changes? जैसे मैंने बोला ना कि आपको कि mitochondria में भी genetic code होता है, mitochondria में भी changes होते हैं. Because the mitochondria synthesizes only a small number of protein. Mitochondria में जो proteins हैं, वो बहुत कम number में होते हैं. The problem of disruption by changes in meaning is much less severe. Probably the codon that are altered but not used extensively in location where amino acid substitution would have been deleterious. So the variety of changes found in mitochondria of different species suggest they have evolved separately and not by the common descent from the ancestral mitochondrial code. क्योंकि mitochondria में मैंने आपको बताया ना कि कुछ codes जो होते हैं वो cytosolic codes से different होते हैं. तो ये चीज हमें दिखाती है कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है इनका इवोल्यूशन जो हुआ है वो सेपरेटली हुआ है, एक कॉमन एंसेस्ट्रल माइट्रोकॉन्ड्रियल कोड से नहीं हुआ है. अब हमने इतना जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ लिया. अब जेनेटिक कोड जो होते हैं, जेनेटिक कोड के थ्रू हम म्यूटेशंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि म्यूटेशंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं. या अगर आपने अपनी प्री क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि म्यूटेशंस कितने टाइप के होते हैं, तो हम उसको भी इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट आर म्यूटेशंस बेस्ड ऑन द जेनेटिक कोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन आर द एरर्स इन कोडॉन्स कॉज्ड बाय चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड बेसिस. Some of the mutation may not have much effect. Some, however, can have huge effect on coding for amino acid, which can in turn affect what proteins are produced, which can have profound effect on the cellular and organismal function. ठीक है, मतलब mutation क्या है basically? Mutations वो errors हैं जो कि codons में करी गई हैं, codons में हुई हैं. किसी भी न्यूक्लियोटाइड बेस के चेंज के होने से, ठीक है, कुछ म्यूटेशंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन कुछ म्यूटेशंस का इतना इफेक्ट पड़ता है कि अल्टीमेटली कुछ म्यूटेशंस क्या करती है, क्योंकि म्यूटेशंस के थ्रू कोड चेंज हुआ, कोड चेंज हुआ तो पता चलेगा कि उससे दूसरी अमीनो एसिड कोड हो रही है, और दूसरी अमीनो एसिड कोड होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोटीन डिफरेंट हो जाएगी. मान लीजिए किसी कोई म्यूटेशन किसी बेस पेयर में हुआ, उस बेस पेयर उस बे, वो जो बेस थी पहले रिस्पॉन्सिबल थी एस्पराजीन के लिए, अब वो ल्यूसीन बना रही है, तो ये जो डिफरेंस है ये अल्टीमेटली किसी प्रोटीन के फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है. अब प्रोटीन के फंक्शन को इफेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट सेलुलर और ऑर्गेनिज्मल फंक्शन पे भी पड़ेगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड म्यूटेशन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक कोड. अब जेनेटिक कोड के अगर संदर्भ में हम म्यूटेशंस को देखें तो हम सबको पता है कि जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस एंड फॉर द वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म विच कुड बी गुड और बैड. ठीक है, एवरी मिनट चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस कुड ऑल्टर द अमीनो एसिड टू बी प्रोड्यूस एंड प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज.
So the genetic code, which is a dictionary that corresponds with the sequence of nucleotides and the sequence of amino acids, ठीक है, ये ultimately बहुत important है. So अच्छा, mutations होते किस किस तरह से? Mutations can be caused by internal factors या external factors के through भी हो सकते हैं, जैसे कि smoking, UV rays, है ना, या फिर कुछ ऐसे भी factors हो सकते हैं जो कि डीएनए में किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में वेरिएशन कॉज कर दे एंड उसका रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस को अल्टर कर दे. ठीक है, म्यूटेशंस लीड टू द अल्टरेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप एंड फीनोटाइप एज वेल. ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस माइट इफेक्ट द सेल और इवन डैमेज द ऑर्गेनिज्म. सो डीएनए सीक्वेंसेस बिल्ड द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इन टर्न एनकोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन. Any fluctuation in this sequence, for example, misshapes during DNA transcription might lead to change in the genetic code, which ultimately alter the protein synthesis. Okay? So there are different type of mutations, basically two types, point mutations and frame shift mutations. Now, point mutations are of three types, silent mutations, missense mutations, and nonsense mutations. ठीक है, and there is another type of mutation which is frame shift mutation. So I will deal them separately. So first is silent mutation. What is silent mutation? A silent mutation is a change in the sequence of nucleotide bases which constitutes DNA without a subsequent change in the amino acid or the function of the overall protein. Sometimes a single amino acid will change, but if it has the same property as the amino acid it replaced, little or no change will happen. A silent mutation can be caused by many ways, but the key point is that it does not change the function of amino acid or subsequent protein. मतलब कि अगर आप इस स्लाइड को देखें, यहाँ पे ATG codes for methionine, then GAA codes for glutamine, ठीक है? तो जब यहाँ पे जी ए ए से जी ए जी हो गया, मतलब ए बेस इज रिप्लेस्ड बाय जी, जो अमीनो एसिड है वो सेम है, ऊपर भी ग्लूटामिन था यहाँ पे भी ग्लूटामिन है, तो अल्टीमेटली इस म्यूटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा. सो अ साइलेंट म्यूटेशन इज जस्ट दैट इट डज नथिंग सिग्निफिकेंट, नॉट मेकिंग अ साउंड इन द वी कैन से ऑर्केस्ट्रा ऑफ द सेल. The DNA is read in units of three nucleotides called codons. So each codon specifies a certain amino acid with a few reverse as a stop as a start signal. Sometimes different codons specify the same amino acid. This redundancy allows a flexibility in the genetic code. It means a silent mutation usually go completely unnoticed. अब आप देखो ना, यहाँ पे mutation हो गया है, लेकिन इस म्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. पहले भी इस म्यूटेशन के पहले भी जो अमीनो एसिड इस पर्टिकुलर कोडॉन से बन रही थी, वो म्यूटेशन के बाद भी बन रही है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन. मतलब कि इसका ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, नाउ कम टू मिससेंस म्यूटेशन. मिससेंस म्यूटेशंस अकर व्हेन देयर इज अ मिस्टेक इन द डीएनए कोड and one of the DNA base pair is changed. For example, अगर यहाँ पे आप देखो, A is swapped for C. A की जगह यहाँ पे C आ गया. This single change in the amino this single change means the DNA now encodes for a different amino acid. You can see here, it was earlier glue and now it is aspartate. ठीक है, पहले ये था और अब हो गया दूसरा amino acid. इस जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन हो गया. ठीक है, समटाइम्स अ चेंज इन अमीनो एसिड हैज नो इफेक्ट ऑन द रिजल्टिंग प्रोटीन फंक्शन. सम ओकेजन अ चेंज इन द अमीनो एसिड एक्चुअली एनहांसेस द प्रोटीन फंक्शन, बट इन अदर केसेस इट कैन अल्टीमेटली रेंडर द प्रोटीन एज फॉल्टी. तो ये क्या है, मिससेंस म्यूटेशन. इसने अल्टीमेटली एक अमीनो एसिड का एक बेस पेयर का चेंज अमीनो एसिड के चेंज को कर रहा है. तो कभी कभी तो ये चेंज, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, कभी कभी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा.
किसी जो एक प्रोटीन बनेगा उसके फंक्शन पे। कभी कभी क्या करेगा, ये उस प्रोटीन को खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा, या उसका फंक्शन फॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ये म्यूटेशन क्या करता है, उसके फंक्शन को एक्टिवेट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिस सेंस म्यूटेशन। नाउ नॉन सेंस म्यूटेशन, लाइक अ मिस सेंस म्यूटेशन, अ नॉन सेंस म्यूटेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ सिंगल ऑल्टरेशन टू अ डीएनए बेस पेयर, यू कैन सी हियर। हाउएवर इन केस ऑफ नॉन सेंस म्यूटेशन, दिस सिंगल चेन results in the production of stop codon, thereby terminating the protein synthesis prematurely. Okay, what would be the result? The result would be the shortened protein that may function but also may not. आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पहले codon था वो GAA था, ठीक है। अब इस single codon का अगर change यहाँ पे हो जाए, और होने के बाद ये अल्टीमेटली क्या किस तरह वर्क कर रहा है, ये एक स्टॉप कोडॉन की तरह वर्क कर रहा है। तो अब ये बीच में आ गया स्टॉप कोडॉन, अब स्टॉप कोडॉन आने की वजह से आगे तो प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं पाएगी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस यहीं स्टॉप हो जाएगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, तो जो प्रोटीन आपकी बननी थी, जो एक मेच्योर प्रोटीन आपकी बननी थी, वो बन नहीं पाएगी, उसकी जगह यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गई। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गई, तो इस जो प्रोटीन आपकी बनी वो प्रीमैच्योर प्रोटीन बनी। अब वो क्या हो सकती है, वो आपकी फंक्शन कर भी सकती है, वो फंक्शन नहीं भी कर सकती है। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन अल्टीमेटली ऑल्सो इन्वॉल्व द सिंगल ऑल्टरेशन इन द डीएनए बेस पेयर, बट दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, कुछ कोडॉन्स होते हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, बल्कि चेन को टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस स्टॉप कोडॉन अल्टीमेटली टर्मिनेट्स द प्रोटीन सिंथेसिस प्रीमैच्योरली एंड रिजल्ट इन द शॉर्टेन प्रोटीन। फुल प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, शॉर्ट प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। Now, अब हम आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस पे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बेसिकली इंसर्शन या डिलीशन इन्वॉल्व करते हैं किसी चीज का, ठीक है। तो दिस इज द स्लाइड डिपिक्टिंग द इंसर्शन म्यूटेशन। इंसर्शन म्यूटेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर या मोर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इनटू द डीएनए सीक्वेंस। Insertion mutations can vary in size, ranging from the insertion of just one base pair into the DNA sequence, or the insertion of the section of chromosome into another chromosome. ठीक है? The end result is the potentially malfunctioning protein. ये आपका original DNA sequence है, ठीक है? और यहाँ पे इस base pair का ये ओरिजिनल ये साइट है जहां पे म्यूटेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये बेस पेयर्स इंसर्ट हो रही है, आके ऐड हो रही है, जो डिफरेंट कलर से आपको शो की गई है, ठीक है। तो अब इंसर्शन किसी एक सिंगल बेस पेयर का भी हो सकता है या किसी एक फ्रेगमेंट का भी हो सकता है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे जब कोई भी फ्रेगमेंट इंसर्ट होगा तो क्या होगा, ये इसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये कोडॉन ऐसे रीड होते थे, टी सी टी सी ए ए जी सी ए, अब ये सॉरी ये अगर आप इसको देखिए ओरिजिनल वाले को, तो यहाँ पे कोडॉन्स पहले ऐसे रीड होते होंगे टी सी टी सी जी सी ए टी जी, लेकिन अब इस इंसर्शन से ये देखिए आप इसका पूरा फ्रेम बदल जाएगा। टी सी टी तो वैसे ही रहा, लेकिन अब यहाँ पे सी जी सी की जगह सी ए ए आ गया, ठीक है। तो जब ये सी ए डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे बाद में था ATG, अब यहाँ पे रीड होगा GCA, तो पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। उस पूरे फ्रेम के चेंज होने की वजह से तो जो कोडॉन्स किसी और अमीनो एसिड को कोड करते थे, अब वो किसी और को कोड करेंगे। इट मींस कि जो फाइनल जो आपका अमीनो एसिड्स बन रहा है, दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। सो अल्टीमेटली रिजल्ट व्हाट वुड बी द रिजल्ट, रिजल्ट वुड बी द मैल फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटीन्स। ओके, तो इंसर्शन क्या कर सकता है, पूरा ओपन रीडिंग फ्रेम को चेंज कर देगा। ओपन रीडिंग फ्रेम के चेंज होने की वजह से डिफरेंट अमीनो एसिड वुड बी कोडेड बाय द न्यू फ्रेम,
एंड अल्टीमेटली इट वुड रिजल्ट इन द मैल फंक्शनिंग प्रोटीन बिकॉज द डिजायर्ड प्रोटीन वुड नॉट बी फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ द सीक्वेंस. ओके, सो दिस इज द इंसर्शन म्यूटेशन. वेयर इंसर्शन ऑफ सम सीक्वेंस इज गोइंग टू चेंज द इंटायर फ्रेम. नाउ डिलीशन म्यूटेशन. डिलीशन आप जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि डिलीशन का मतलब कि इसमें से कुछ डिलीट हो रहा है, कुछ बेसिस डिलीट हो रहे हैं. ठीक है, तो एज द टाइटल सजेस्ट डिलीशन म्यूटेशन अकर्स व्हेन देयर अ पीस ऑफ डीएनए इज रिमूव्ड. यू कैन सी हियर द पीस ऑफ द डीएनए इज रिमूव्ड फ्रॉम द सीक्वेंस. द साइज ऑफ द डीएनए दैट इज रिमूव्ड कैन वेरी इन लेंथ from a single base pair to an entire gene or several consecutive genes that ultimately leads to compromising the function of the encoded protein. Jaisa ki maine aapko insertion mutation mein bhi bataya tha ki insertion mein jaise ki ya to ek base pair bhi add ho sakti hai ya bahut sare base pairs bhi add ho sakte hain, hai na. Usi tarah se deletion mein bhi ya to ek single base pair delete ho sakti hai ya बहुत सारे बेस पेयर भी डिलीट हो सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही बेस पेयर डिलीट हो. तो या तो एक ही बेस पेयर डिलीट होगा या बहुत सारे बेस पेयर डिलीट होंगे या एक पर्टिकुलर जीन भी डिलीट हो सकता है या सेवरल कॉन्सिक्यूटिव जीन्स भी डिलीट हो सकते हैं. तो सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होगा. जब ये बेसिस आपके चेंज हो गए, ये यहाँ से हट गए, ये देखिए ये फ्रेगमेंट जो यहाँ पे शो किया गया है ये फ्रेगमेंट अल्टीमेटली हट गया, तो अब जो फ्रेम है आपका जो बन गया नया फ्रेम, सॉरी जो नया फ्रेम बन गया है वो डिफरेंट तरह से रीड होगा. यहाँ पे जो कोडॉन्स होंगे अब अल्टीमेटली डिफरेंट प्रोटीन सॉरी डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करेंगे. जब वो डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड करेंगे तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी. डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी तो वो प्रोटीन मैल फंक्शनिंग भी हो सकती है उसमें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोटीन वर्क करे, क्योंकि उसमें जो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड है वो हो सकता है कि किसी प्रोटीन की एक्टिव साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. क्योंकि जैसे आपको पता है कि प्रोटीन एक्टिव साइट प्रोटीन जो है अपनी एक्टिव साइट के थ्रू वर्क करते हैं. अब मान लीजिए उस एक्टिव साइट पे कोई एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है, मे बी कि वो सीरीन है, आर्जिनिन है, ट्रिप्टोफैन है, कोई भी अमीनो एसिड है. अब वो अमीनो एसिड किसी एक पर्टिकुलर कोडॉन के थ्रू कोड होता था, लेकिन अब वो कोडॉन क्योंकि यहाँ से बेसिस हट गई है वो कोडॉन वैसा रहा नहीं. अब वो कोडॉन वैसा नहीं रहा तो वो अमीनो एसिड कोड नहीं होगी. वो अमीनो एसिड कोड नहीं होगी तो प्रोटीन में वो अमीनो एसिड होगी नहीं. तो इसका मतलब जो वो आपका प्रोटीन है या एंजाइम है जो भी है वो मैल फंक्शनिंग हो गई उसमें. वो अब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा ड्यू टू द डिलीशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कोड दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड. सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीशन म्यूटेशन वेयर देयर मे बी वन बेस पेयर म्यूटेशन, one deletion of one fragment, deletion of many genes, or maybe the deletion of several consecutive genes. Now, ये insertion और deletion ही frame shift mutations का based है. Frame shift mutation occurs when the deletion or addition mutation results in the change to genes reading frame. Which includes group of three bases that encode for amino acid. जो basically मैंने आपको insertion और deletion बताया है वो frame shift mutation के ही दो part हैं, ठीक है? या तो किसी चीज का insertion या किसी चीज का deletion क्या basically code करेगा? Different frame को code करेगा. Different frame होने की वजह से पूरा आपका जो amino acid का sequence है वो change हो जाएगा. The change in the reading frame alters the grouping of the bases and subsequently changes in the amino acids that are encoded. So the resulting encoded protein is non-functioning. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ATG, GAA, GCA and CGT. ठीक है, ये है. अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने एक G हट गया, एक जी यहाँ से एक हट गया है, आप ये ओरिजिनल आपका फ्रेम है, यहाँ से एक जी हट गया है. अब आप देखिए एक बेस के हटने से क्या चेंजेस होगा. फ्रेम तो वैसे ही पढ़ा जाएगा ट्रिपलेट्स में, जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोड जेनेटिक कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट्स में होते हैं. तो यहाँ पे ए टी जी था, अब ये जी हट गया तो ए ए जी, दिस वुड बी द न्यू कोड ए ए जी. यू कैन सी हियर
Now it is AAG. Now AAG, then CAC. It is CAC here. ठीक है? तो इस तरह से अब ये पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया. तो GAA कोड करता था ग्लू के लिए, नाउ AAG कोड करेगा लाइसिन के लिए. ठीक है? GCA कोड करता था एलिनिन के लिए, नाउ CAC कोड करेगा हिस्टिडिन के लिए. तो ये पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया. पहले जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस था वो मेथियोनिन, ग्लूटामिन, एलानिन, ग्लाइसिन था. अब चेंज हो गया मेथियोनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडिन. अब हो भी सकता है कि ये जो लाइसिन और हिस्टिडिन हो, इनका फंक्शन इस न्यू प्रोटीन में कुछ और हो, या इनकी वजह से प्रोटीन की फोल्डिंग चेंज हो जाए, या प्रोटीन की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, प्रोटीन की एक्टिविटी चेंज हो जाए, तो जो रिजल्टिंग प्रोटीन होगा वो आपका मैन फंक्शनिंग भी हो सकता है. क्योंकि ये पर्टिकुलर बेस पे पर्टिकुलर अमीनो एसिड हो सकता है कि ये किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ये किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते थे जो कि अब नहीं कर पाएंगे. तो एक सिंपल सा म्यूटेशन आप देखिए क्या क्या कर सकता है. एक सिर्फ एक बेस पेयर का म्यूटेशन, और अगर हो सकता है कि ये पूरी बेस पेयर हट जाए तो और ही सीन हो जाए. ठीक है? तो एक सिर्फ एक बेस पेयर भी पूरे आपके जीन्स के मतलब जो भी प्रोटीन का डिजायरेबल अमीनो एसिड्स थे उनके सीक्वेंस में चेंज कर सकती है, जिस चेंज की वजह से वो प्रोटीन मैल फंक्शनिंग भी हो सकता है. तो दिस वॉज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स when deletion or addition mutations results in the change to the gene's reading frame. ठीक है? This it may include group of three bases that encode for a particular amino acid. So the change ultimately alters the grouping of the bases, subsequently changes the amino acids that are encoded. So the encoded protein is non-functional. So, जितने भी आपने अभी तक म्यूटेशन पढ़े, लाइक साइलेंट पढ़ा, साइलेंट का कोई रोल नहीं है, साइलेंट की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होती है. लेकिन जो बाकी म्यूटेशन है आपके, लाइक नॉनसेंस है, मिससेंस है, फ्रेम शिफ्ट है, दे अल्टीमेटली हैम्पर्स द फंक्शन ऑफ प्रोटीन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन.